Hi guys, welcome back. Tiger 3 का क्रेज, oh my goodness, किस तरीके से Tiger 3 का क्रेज चल रहा है सोशल मीडिया पर. नॉट जस्ट दैट, सोशल मीडिया ऑन ग्राउंड लेवल एवरीथिंग इज गोइंग क्रेजी फॉर टाइगर. तो भाई टैन टैन टनाडन टैन 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 टनाडन टैन बॉस आ रहे हैं टाइगर. केवल 13 दिन का अब गैप बचा है, ओनली 13 डेज टू गो फॉर टाइगर हंट. क्या कुछ न्यूज आ रही है टाइगर को लेकर. ओवरसीज एडवांस बुकिंग के साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल फीचर के बारे में जो कि टाइगर 3 के बारे में है. सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में. वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, चैनल को फटाफट कर लो सब्सक्राइब. बात करेंगे हम लोग सबसे पहले भाईजान की मच अवेटेड ऐसे कमबैक की, हम लोगों को जिसका श्योर शॉट पता है, सबको पता है कि भाई ये फिल्म आएगी ना सबको खिला के रख देगी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन, सबको आरआईपी करके रख देगी. एंड नॉट जस्ट दैट, अगले भी कई सारे वेन्यूज जो हैं वो सलमान खान के लिए खोल देगी. जैसे कि हम पहले भी वीडियोस में बात करते आए हैं कि जैसे भाईजान का एक मच अवेटेड कमबैक हम लोग वेट कर रहे थे. बीच में एक ऐसा दौर आया था जिसमें फिल्मों का उतना सक्सेसफुल कंटेंट वाइज भी उतनी लोगों के दिलो दिमाग पर नहीं चढ़ पाई, और स्पेशली टाइगर 3 का इंतज़ार लोगों को बहुत, सभी लोगों को बहुत पहले से था, जब से हमने वो टीज़र भी देखा था, और इनफैक्ट जब से टाइगर जिंदा है देखी थी. और एंड में एक वो एक स्टोरी ओपन एंडेड छोड़ दी गई थी कि टाइगर जिंदा है, एक और मिशन जो है होने जा रहा है, इसीलिए लोगों में बहुत क्रेज़ था टाइगर 3 को लेकर. तो अब फाइनली वो समय आ चुका है जब भाईजान अपने आई थिंक ही वॉज बॉर्न फॉर दिस रोल. टाइगर 3 और टाइगर 3 वॉज स्पेशली रिटन फॉर दिस मैन. और कोई ना तो इस रोल में समझ में आता है, ना वो जो दैट ऑरा जो देखने को मिलता है हमारे को भाईजान का, वो कहीं और नहीं देखने को मिलता है. तो भाई अब सुनो कहानी सारी की सारी. पहले जो स्पेशल फीचर है उसके बारे में बात करते हैं. अभी से कुछ देर पहले YRF ने एक इमेज वीडियो हमसे शेयर किया, छोटा सा एक वीडियो है ट्विटर पर, और वो वीडियो है टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क के, जो टाइम्स स्क्वायर है वहाँ पर एक एड जो है वो टाइगर 3 की रन कर रही है. एब्सोल्युटली अमेजिंग टू सी. इससे कई चीज़ें और हमारे को पता चलती हैं. अभी इतनी बड़ी बात क्यों है, पहली बात तो है बड़ी बात, बट हाँ वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट. मैंने आपको कहा है YRF जब भी अपने पत्ते खेलते हैं तो इतने ज़्यादा स्ट्रांगली खेलते हैं वो कि कोई और ओवरसीज़ मार्केट को लेकर, स्क्रीन काउंट्स को लेकर, प्रमोशंस को लेकर कोई और इनके टक्कर में है ही नहीं. कोई भी प्रोडक्शन हाउस ले लो, कोई भी, दे नो द गेम सो वेल. 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मतलब उनको इसी फील्ड में, तो दे नो इट कि कैसे कहाँ पर प्लेसमेंट्स करनी है. ओवरसीज़ की जब हम बात करते हैं, ओवरसीज़ के नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं आजकल, ओवरसीज़ कलेक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं एडवांस बुकिंग की, तो भाई जब हम टाइम स्क्वायर की बात करते हैं वहाँ पर टाइगर की एड रन कर रही है, इसका मतलब ये है कि जब ये फिल्म आएगी ओवरसीज़ मार्केट से ये इतना धांसू कलेक्शन करने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी क्रेज़ जो है भाईजान का वो अलग लेवल पर जा चुका है बॉस, अलग लेवल पर जा चुका है. और ऐसा तभी होता है जब एक फिल्म जो है वो मच एंटिसिपेटेड, जैसे मैं बोल रही हूँ कि लोगों को कब से इंतज़ार था, मच एंटिसिपेटेड थी कि भाई देखनी है अब तो, देखना है कि आखिर टाइगर क्या करते हैं आगे चल के, वो सब चीज़ें जो हैं वो सामने दिखने लगती हैं, देन यू कैन से दैट दिस मूवी इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री. तो ये एक चीज़ थी. और दूसरी चीज़ जो ओवरसीज एडवांस बुकिंग की हम लोग बात करते हैं, देखो कंट्री वाइज आप सोचोगे, या कंट्री वाइज मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया था कल के वीडियो में, लेकिन अभी उसका अपडेट जो है वो नहीं आया है. बट लेट मी टेल यू द पेस इज सुपर सुपर स्ट्रांग, एकदम से पेस पकड़ी है. अभी नवंबर आने दो, नवंबर में एक बार भौंचाल आएगा, पता चलेगा कि भाईजान की पावर क्या है, YRF की पावर क्या है. लेकिन अब तक अगर मैं आपको INR में एडवांस बुकिंग बताऊं फिलहाल तो, या पहले USD की अगर मैं आपको बताऊं तो USD में कम से कम 1,60,000 US dollars जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज फ्रॉम द ओवरसीज. अभी 13 डेज टू गो है माइंड यू, अगर ये कम लग रहा है, बहुत कम लग रहा है, 13 डेज टू गो है, अभी देखना इसका पेस कैसे पकड़ेगी है. और आई एम टेलिंग यू कि फिलहाल जो जो एडवर्टाइजमेंट्स हमको देखने को मिल रही है वो ये बताती हैं कि वहाँ पर भी जैसे इंडिया में होता है ना, ऐड देखते हैं उस वक्त पे कोई कुछ नहीं सोचता, वॉक इन ऑडियंस बहुत होती है एकदम से, व्हेन द मूवीज रिलीज चलो चलते हैं देखने के लिए, वो न्यूट्रल ऑडियंस करती है एक ये वाला कमाल. तो ये चीज़ हमारे को ओवरसीज़ मार्केट से ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी. और अगर मैं आपसे INR की बात करूं, इंडियन रुपीज़ की बात करूं, तो करीब करीब 1.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग फिलहाल ओवरसीज़ मार्केट से हो गई है, एंड दैट इज़ अ बिग नंबर. लेट्स वेट एंड वॉच. अभी तो जैसे कह रही हूँ, अभी 14 डेज बचे हैं, और इस समय में एक ट्रेलर और आएगा, एक सॉन्ग और आएगा, दुआ दुआ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये दो चीज़ें, दो बड़े बड़े यूनिट्स आने बाकी हैं, और फिर खुल जाएगी इंडिया में एडवांस बुकिंग.
मैन नाउ YRF से अब आप किसी भी टाइम कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. 12-13 दिनों में फिल्म अगर रिलीज हो रही है, अभी तो एक ट्रेलर और आना है, एक सॉन्ग और आना है, तो भाई एक्साइटमेंट लेवल बहुत है. दिन में भी कभी भी कुछ भी आ सकता है, मैं आपसे ये कह रही हूँ. तो जो भी कुछ आएगा आई एम गोना कवर इट. देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइगर 3 कंटेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम टोटली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी. फर्स्ट डे फर्स्ट शो बनता है. कौन कौन लोग आप में से फर्स्ट डे फर्स्ट शो पार्टिसिपेट कर रहे हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो. और क्या लगता है अब ये सॉन्ग कब तक ड्रॉप होने जा रहा है या फिर आएगा सेकेंड ट्रेलर पहले, मुझसे अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो. बाकी फिर लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. जस्ट कॉल स्टोर फंक्शन.